बाहुबल, धनबल और सत्ताबल के खिलाफ सीना तान कर खड़े चुनाव आयोग को मौजूदा रुतबा दिलाने वाले मशहूर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का निधन हो गया। 86 साल के शेषन पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे और चेन्नई में रह रहे थे। देश में चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। टीएन शेषन ने अपनी ईमानदारी और डंडे का ऐसा इस्तेमाल किया कि सिस्टम को मन मुताबिक चलाने वालों के बीच खौफ पैदा हो गया। इससे पहले ना तो किसी ने चुनाव आयोग का ऐसा रूप देखा, ना ही ऐसा दमदार नौकरशाह। शेषन को उनके कड़े रुख और भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव किसी को भी नहीं बख्शा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन की छवि कुछ ऐसी बनी कि कहा जाने लगा, भारत के नेता सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, एक भगवान और दूसरे टीएन शेषन। शेषन की ये छवि बेवजह नहीं बनी थी। 1991 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। ये यूं भी सियासी तौर पर एक उबलता हुआ साल था। शेषन ने यूपी के सभी डीएम, पुलिस अफसरों और चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले करीब 300 पर्यवेक्षकों को साफ कर दिया था कि अगर चुनाव में कोई गलती होती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शेषन को काम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं थी। वो जरा भी शक होने पर चुनाव रद्द कर देते थे। शेषन ने 1990 के दशक में देश में चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़ी ही कठोरता से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया। शेषन देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त बनने से पहले शेषन ने कई मंत्रालयों में काम किया और जहां भी गए उस मंत्री और मंत्रालय की छवि सुधर गई। 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद शेषन का डायलॉग आई हेट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट काफी चर्चा में रहा। टीएन शेषन ने 1990 से लेकर 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली में कई बदलाव किए। मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत भारत में उन्हीं के द्वारा शुरू की गई। 1996 में उन्हें रेमन मैक्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लेकिन KR नारायण से हार गए। दो साल बाद कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं सके। टीएन शेषन यानी तिरुनेलेत नारायण अय्यर शेषन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ। शेषन अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता पेशे से वकील थे। IAS की परीक्षा में टॉप करने वाले टीएन शेषन नौकरशाह के पद पर रहते हुए कैबिनेट सचिव के पद पर पहुंचे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े दिग्गजों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर कहा, शेषन बहुत अच्छे नौकरशाह थे जिन्होंने परिश्रम और निष्ठा के साथ देश की सेवा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, चुनावी सुधार की दिशा में उनकी कोशिशों ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत भागीदारी पूर्ण बनाया। उनके निधन से दुख हुआ। ओम शांति। चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा, ये बताते हुए दुख हो रहा है कि टीएन शेषन अब हमारे बीच नहीं रहे। वो आदर्श और अपने उत्तराधिकारियों के लिए प्रेरक थे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। BJP के राज्यसभा सांसद RK सिन्हा ने भी शेषन के निधन पर शोक जताते हुए कहा, सुप्रसिद्ध भूतपूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन जी का वैकुंठ धाम गमन हो गया। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। भारतीय चुनाव सुधार में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर TN शेषन के निधन की सूचना से शोक में हूँ। लोकतंत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शेषन ने भारत के चुनावी संस्थान को मजबूत बनाने में सुधारक की भूमिका निभाई। शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन के निधन की सूचना से दुखी हूँ। उन्होंने भारत की चुनावी संस्था के सुधार और उसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
देश उन्हें हमेशा लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक के रूप में याद रखेगा। मेरी प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने शोक जताते हुए कहा कि उनके निधन के साथ ही एक युग की समाप्ति हो गई। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।